दिस इज अशोक लेलैंड स्टाइल एलेक्स। टाइट इंजन के साथ आती है इसलिए टाइट लिखा हुआ है। अशोक लेलैंड का ब्रांडिंग, अशोक लेलैंड का लोगो आज तक चेंज नहीं हुआ। पीछे से बॉक्सी डिजाइन जरूर है बट गाड़ी 7 लोगों को लेके जा सकती है। 2013 में लॉन्च हुई थी, 9 लाख रुपए के आसपास प्राइस रखा था और निसान की एक गाड़ी को इन्होंने कॉपी किया था और उस टाइम ये राइवल करती थी शेवरलेट की टवेरा से। मैं इस गाड़ी को पहली बार देख रहा हूँ 10 सालों के अंदर। लेलैंड का यहाँ पे रेडियम वर्क है, इंडिकेटर, बैक लाइट, इसमें 15 इंच के टायर्स हैं। पीछे की तरफ लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन क्रॉस कटिंग, आगे की तरफ लेलैंड के इंडिपेंडेंट फ्रंट सस्पेंशन, कॉइल स्प्रिंग, दो लोग यहाँ बैठ सकते। अंदर की तरफ ओरिजिनल सीट कवर्स दिखेंगे, पीछे भी दो बैठ सकते और लास्ट रो में 3 लोग बैठ सकते। 500 लीटर का बूट स्पेस क्लेम करते थे अशोक लेलैंड उस टाइम। गाड़ी में एसी आता था, लेलैंड का लोगो अच्छा लगता है। काफी सारी यूटिलिटी स्पेस थे, बहुत ही बढ़िया गाड़ी थी। 1500 सीसी के इंजन से बहुत अच्छा माइलेज आता था बिकॉज ये डीजल थी। इस गाड़ी में पावर आती थी 75 हॉर्स पावर की और लगभग 185 न्यूटन मीटर का गाड़ी टॉर्क बनाती थी जो उस टाइम के हिसाब से 2013 के हिसाब से बहुत ज्यादा था। बाकी ये गाड़ी कैसी लगी आपको बताओ, और ऐसे इंटरेस्टिंग से और वीडियोस देखने के लिए आप मुझे नीचे फॉलो कर सकते हो।